Hey, what's up, guys? हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि पाजी हनी सिंह के पुराने भी गाने करो, तो हम लोगों ने, पब्लिक ने बोला और अपन आपको तो पता है यार, हम लोग इतनी ज्यादा आपकी रिक्वेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक-एक करके आप अंडरग्राउंड आर्टिस्ट का भी कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं। आप चैनल पे देख रहे होंगे कंटिन्यू, हाँ। कुछ अलग ही कर रहे हैं, कोई कोई बोल रहा है, कोई कोई बोलता है कि यार भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप, भाई सबका सुनना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका चैनल है ये, बिल्कुल सब आर्टिस्ट का चैनल, बिल्कुल बिल्कुल सब लैंग्वेज का चैनल है, बिल्कुल यार, ठीक है ना, बिल्कुल हम एक रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, सबको बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो वो इस चीज है कि हम लोगों ने, फिर हम लोग देख रहे थे कि भाई यो पाजी के कौन से पुराने गाने छूटे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वीडियोस वाले है ना, जो देसी कलाकार वगैरह, उसमें भी गाने बचे, बट जो स्टैंडर्ड वीडियोस वाले जो है, जो थे अच्छे अच्छे, वो हम लोगों ने कर लिया, अभी पुराने में घुस रहे हम लोग, ठीक है, पुराने वाले देखने वाले। तो जैसे हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग देखने वाले हैं यो हनी सिंह का चस्का। चस्का यारानू, इतना मेरे को याद है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार चलो बैक, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वापस देखते हैं, क्योंकि जो पुराना, आपको तो अच्छे से पता है पुराना हनी सिंह हमको बहुत अच्छे से पसंद है, तो सीधा आते हैं, वाइब लेते हैं, फिर हनी 3.0 में क्या आने वाला है वो पता नहीं। बिल्कुल, जैसे वो वाला गाना था ना, हाँ, वो वाला कौन सा गाना था यार जो अभी आया था, स्पोर्ट्स गड्डिया, वो वाइब सही लगती मेरे को, ये सब वाइब रहा, मजा आ जाएगा। तो अभी आते हैं चस्का बाय यो हनी सिंह एंड द क्राउन राजा। अभी इसमें कितने आर्टिस्ट के नाम है, ठीक है, तो देखते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, अपन थोड़ा सा आपके प्यार की वजह से 1 मिलियन के करीब है, बहुत करीब। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही हमको आगे बढ़ाते रहो, यही यही और कितने थैंक यू बोलू आपका, जितना प्यार करते हो बहुत है यार। तो ठीक है, आते हैं और ऐसे प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, बिल्कुल सुनते हैं, वाइब लेते हैं और आपके लिए ऐसे ही बैक टू बैक काम करते रहेंगे। चलो आते हैं, लगा दे। माफिया मुंडी मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोगों ने पहली बार ये उस टाइम पे जब गाना चलता था, तब सुना था, तब लिरिक्स नहीं समझती थी। अभी थैंक यू मेरे पंजाबी जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, उनके वजह से हमको अभी कुंडी मूछ हो गया, मतलब दारू चली, लिरिक्स समझ में आ रही, लिरिक्स समझ में आ रही। तो एक्चुअली पहली बार हमको मीनिंग समझ रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, पहली बार मीनिंग समझ रहा है। पंजाबी गानों का सुनते हैं ना, पीछे समझ में आता है प्रॉपर क्या चल रहा है बोल के। वेरी नाइस। एक बात है, देखो हम आपके लिए ना हर सिचुएशन में काम करते हैं, बिल्कुल आपके लिए, बिल्कुल। जैसे जैसे कभी कभी हो जाता है कि हाँ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत अर्जेंट काम हो जाता है या हम बाहर होते, बिल्कुल, बट आपको पता नहीं, मैं एक पेन में हूँ, हाँ। तो भी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ पेन आपको पता है, ऐसा है तो बढ़िया है, आपके लिए प्यार है ना, सबके लिए सही है, आप प्यार देते हो इसलिए, या हमारा मूड खराब है कुछ भी, आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, बस आप ऐसे सपोर्ट रखो, ऐसे प्यार रखो। आते हैं वीडियो पे, अभी रोकूंगा नहीं, अभी यही बताना था कि लिरिक्स समझ रहे तो मजा आ रहा है, यही बताना था बस। बढ़िया, ये वाइब देखो, लिरिक्स
म्यूजिक करिश्मा आपको आई होप आपको लिरिक्स समझ गई, पर मेरे को पहली बार समझ के जो मजा आया ना कि गाड़ी बाप के पैसे से नहीं के लिए है, इसे खुद की अभी है। भाई टीवी पे दिखता अरे बहुत फुकरी नहीं करता, ये सब जो वर्ड है हमको समझ में आ रहे हैं और बहुत मजा है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को सीरियसली ये जो वाइब है ना हनी पाजी की बहुत बहुत ज्यादा मजा आती है। एक बार पाजी का रैप लगा यार, मजा ही आ रहा है, लगाता हूँ क्यों नहीं, मजा आ गया पाजी का रैप सुन के तो। चल वेरी नाइस सर, मजेदार है यार, वाह मजा आ गया। अरे भाई नहीं सुधर सकते, हनी भाई नहीं सुधर सकते। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाला हनी सिंह जो है ना ये यार अभी मुझे ऐसा लगता है 3.0 में 2.0 3.0 2.0 3.0 अपने लिए भाई नया ही है। हाँ, भाई कुछ भी करे 3.0 रहो 4.0 रहो 5.0 रहो अपने लिए भाई वही है, समझ रहे हो क्या? मैं एक बात बोलता हूँ गाइस, मैं पहले भी बहुत वीडियो में बोला हूँ, जब पुराने वीडियोस देखता ना मैं भाई के ऐसे इस टाइप के और म्यूजिक सुनता हूँ तो एक बात मैं बोल सकता हूँ कि यार हनी सिंह नहीं बन सकता कोई। बिल्कुल मैं बोला था हनी सिंह अपना वो कहने हिमेश रेशमिया, सोनू निगम की अगर एरा बात करेगा तो फिर वो तो कंटिन्यू है, वो फिर सोनू वो तो उनका वो अभी भी वही चल, अभी भी अलग है सोनू निगम, मतलब फिर कुणाल कुमार शानू हो गए, उदित नारायण हो गए, एरा हिमेश रेशमिया ने एक वन साइड, मैं ये बोल रहा हूँ कि वन साइड खींच लिया, जैसे अरिजीत सिंह ने कैसा वन साइड खींच लिया, हाँ वैसे बात कर रहा है, बट वो एरा नहीं है, ये चलते रहते हैं। अगर अरिजीत सिंह की बात करेगा फिर मोहित चौहान भी है, बिल्कुल 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 ठीक है, फिर एक दो सिंगर ऐसे, बट इन्होंने जो मतलब सब खत्म, हम हो तुझ पे है सिर्फ मैं, हनी सिंह हो गया, ये हो गया, और उस टाइम पे और नीरज श्रीधर भी आए थे, उन्होंने भी एरा लाया था अपना, हो मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मोहित चौहान भी थे। तो जैसे आपने म्यूजिक ये नोटिस किया, जो हमको पसंद है हनी पाजी का,
वैसा ही म्यूजिक है, धिंग ताक धिंग धिंग ताक, हाँ समझ रहा है, वैसे ही बिल्कुल। तो ये वाली बात है ना, इसमें आता है मजा बिल्कुल यार। और शायद मैं बोल रहा हूँ ना, अभी नए वाले इसमें ना बहुत कुछ ऐसा ही आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नए, अभी नए का अच्छा रहेगा वो तो जब आएगा तब तो पता चलेगा, बट ये जो है ये मेरे को वाइब पसंद है, क्योंकि आपने देखा है नोट फेको में और वो अपना स्पोर्ट्स गड्डिया में हमको देखा है, फिर कुड़ी के निगाह मारदा उसमें देखा है, और ऐसे दो चार गाने जो उसमें देखा है कि कौन सा हनी से हमको ज्यादा पसंद है, वो आप ज्यादा जानते हो, बेहतर जानते हो, क्योंकि आप हमको कंटिन्यूस देखते हो। और ये भाई भाई के भी लिरिक्स, और भाई पाली पाजी ने तो लिरिक्स लिख दिया, और राजा बात ने तो लेते रहा राजा बात, और हनी पाजी ने तो फुकरे नहीं करता मैं बस, वो लिरिक्स तो मस्त लगी। तो मैं चाहता हूँ गाइस कि आप हमको है ना ऐसे पुराने गाने सजेस्ट करो पाजी के, जब तक नए नहीं आते हम लोग रिव्यू करेंगे, और हमको सीरियसली मजा आता है रिव्यू करने में, सिर्फ आपको आपने देखा है हमको मजा आता है। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप हमको ऐसे कमेंट करते रहो, और बताओ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, चाहे हनी पाजी का हो चाहे कोई भी आर्टिस्ट का हो, जरूर बताओ, हम लोग रिव्यू करेंगे। और एक बात जरूर बोलूंगा कि मैं कुछ तो बोलने वाला था यार, भूल गया यार, भूल गया, कौन से रिलेटेड था, गानों के ही रिलेटेड है, चलो कोई नहीं, अभी भूल गया तो भूल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे वीडियो में याद आएगा तो बोल दूंगा। तो प्लीज हमको कमेंट करते रहो, प्लीज नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, तो नए पब्लिक को भी पता चलेगा, और प्लीज ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत।